अगस्त क्रांति के इस खास महीने में मध्य प्रदेश कांग्रेस की कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। हर दूसरे तीसरे दिन किसी जिले में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस एकजुट होकर बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार हमले कर रही है। आज भी कांग्रेस के दिग्गज भिंड जिले के लहार में इकट्ठे हुए और मोहन सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर भड़के। मुद्दा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह से जुड़ा था, इसलिए सभा में कांग्रेस नेता गोविंद सिंह भावुक उठे। कांग्रेस की सक्रियता और उनके मुद्दों पर देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदर्शन में दिग्गजों की अगुवाई, मध्य प्रदेश में राजनीति गरमाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के लिए अगस्त का महीना बड़ा ही खास है, क्योंकि पार्टी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर सरकार को घेरने का रास्ता चुना है और महीना चुना है अगस्त। 1942 की अगस्त क्रांति की ही तर्ज पर इसी महीने कांग्रेस अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रही है। 6 अगस्त को इंदौर से शुरू हुआ प्रदर्शन भिंड के लहार तक आ पहुंचा है। भिंड के लहार में मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेता जुटे और बीजेपी सरकार के मंत्रियों की कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर हो रही जाति के खिलाफ आवाज उठाई। इस दौरान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर गोविंद सिंह मंच पर भावुक हो गए और फूट फूट कर रोते दिखे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि भिंड जिले के कलेक्टर और एसपी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी को माफिया सरकार तक कह डाला। अरे कलेक्टर की ऐसी भाषा, कलेक्टर का बात सर्विस, रूल को जानते हो नहीं जानते हो? आपने किस बात की शपथ ली? आपकी भावना कैसी है? कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता कि दिग्विजय सिंह ने उसके साथ कहीं अन्याय और अत्याचार किया। कोई हो तो सामने आ जाओ। ऐसा ही प्रदर्शन मध्य प्रदेश के सभी बड़े शहरों में करने की योजना बनाई गई है। पिछले दिनों इंदौर में नरसिंह के मामले में धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें नगर निगम में फर्जी बिल लगाकर करोड़ रुपए का गबन करने के मामले पर विरोध जताया गया। इस दौरान जीतू पटवारी और कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज भी हुआ। ऐसा ही प्रदर्शन छतरपुर में भी हुआ था। प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां बकायदा गिरफ्तारी तक दी। वहीं दतिया में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर एसपी ऑफिस का घेराव भी किया। दरअसल कांग्रेस का सियासत के बड़े पावर सेंटर्स में ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। कांग्रेस ने ऐसा प्रदर्शन 4 अलग अलग संभागों में करने की योजना बनाई है। 6 अगस्त को इंदौर में प्रदर्शन हो चुका है, 9 अगस्त यानी आज लहार में हुआ, 13 अगस्त को उज्जैन में होगा, वहीं 30 अगस्त को भोपाल में। भिंड में कांग्रेस के बड़े प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस पार्टी 13 अगस्त को उज्जैन में कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी। वहीं भोपाल में युवा कांग्रेस सीएम हाउस का घेराव करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता धरना प्रदर्शन आंदोलन के नाम पर अराजकता करने की कोशिश करते हैं, प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा धरना प्रदर्शन के दौरान सभी कानूनी कदम उठाए जाते हैं, ताकि प्रदेश के सभी जिलों की कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। कांग्रेस के पास अब नेता नहीं बचे हैं, इसलिए अराजक तत्वों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन के मुख्य मुद्दे क्या हैं वो भी समझिए। नर्सिंग व नीट का घोटाला, पेंशन घोटाला और सड़कों के निर्माण में घोटाले जैसे तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर और चुनाव में हुई हार के बाद कांग्रेस अब संगठन को ताकत देने की कवायद में है। देखना होगा कि कांग्रेस को इन विरोध प्रदर्शनों का कितना लाभ मिलता है। मध्य प्रदेश में अगस्त के महीने में कांग्रेस के कई बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जीतू पटवारी इन प्रदर्शनों को लीड कर रहे हैं। लहार से लेकर दतिया, दतिया से लेकर छतरपुर, छतरपुर से भोपाल तक प्रदर्शन किया जाएगा। इंदौर में जंगी प्रदर्शन हुआ और इस दौरान लाठी चार्ज भी किया गया। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका की जिम्मेदारी दी गई है तो विपक्ष जनता के मुद्दे को ऐसे ही उठाता रहेगा। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। दरअसल पहले विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला टूटा हुआ है। लंबे समय से सत्ता पर काबिज बीजेपी भी कांग्रेस को प्रदेश से उखाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ऐसे में पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की रणनीति बनाई है।
देखना है सक्रियता से कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है, क्योंकि आने वाले दिनों में प्रदेश में नगरीय चुनाव भी होने हैं, जिनमें पार्टी के सामने अब फिर से अच्छा प्रदर्शन करने की चुनौती होगी।